के क्रम के अनुसार होती है। जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, अनुष्टुप बसंत तिलका आदि वर्णिक छंद हैं। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद में चरणों की मात्रा की गणना की जाती है, वो मात्रिक छंद होते हैं। मुक्तक छंद हिंदी में स्वतंत्र रूप से आज तक जो छंद का प्रयोग किया जाता है वे मुक्तक छंद हैं। इनमें वर्ण तथा मात्रा का कोई बंधन नहीं रहता है। वर्णिक छंद उदाहरण इसका आप देखें, पहले सूत्र के अनुसार या माता राजभानस लगा, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़ यमाता, इसमें एक लघ दो दीर्घ होंगे। माता रा, इसमें तीनों दीर्घ होंगे। ताराज दो दीर्घ एक लघु, राजभा एक दीर्घ एक लघु एक दीर्घ, जभान एक लघु एक दीर्घ एक लघु, भानस एक दीर्घ एक लघु एक लघु, नसल तीनों लघु, सलगा लघु लघु दीर्घ। अब आप इसमें वर्णिक मात्रिक में सर्वप्रथम पढ़ेंगे इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा ये सम वर्ण वृत्त छंद हैं। इसमें वर्णों की संख्या 11 होती है। उदाहरण
मैं यार इसमें लगाना पड़ेगा, मैं जो नया ग्रंथ हो विलोकता हूँ, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता भाता मुझे सो नव मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित नेम से ही मानो मिला मित्र मुझे पुराना ये हरियोध की रचना है। अब इसकी मात्रा लगा करके पहले आप देखिए कि वर्णिक मात्रा है कि यह है मात्रिक छंद है। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद है कैसे है। अब इसमें देखिए पहले हमने बताया कि इंद्रवज्रा में 11 वर्ण होते हैं। असम इसलिए हैं कि चारों चरण एक समान हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस प्रकार से 11 वर्ण हैं। इसलिए ये अभी आप इसको इस हिसाब से गढ़ के हिसाब से आपको मात्रा लगाएं तब आप समझेंगे कि ये इंद्रवज्रा समवर्ण वृत्त छंद है। इस जैसा कि हमने नियम बताया था लघु और गुरु उसी हिसाब से यहाँ मात्रा लगाएंगे। इसमें दीर्घ मात्रा होगा, इसमें भी दीर्घ मात्रा होगा, इसमें लघ। ये हो गया ये। अब इसमें आप देख लीजिए ये क्या है। एस एस आई यानी त तगर दीर्घ, ये भी दीर्घ, ये लघ और ये लघ दीर्घ लघ ये दीर्घ है और ये भी दीर्घ है। यानी कि ये ता इसमें ता तगड़ आ रहा है ता और इसमें भी तगड़ आ रहा है। ऐसे में जो है जा रहा है जगड़ और लास्ट में दो गुरु हैं। तो हम इसे इस प्रकार से शॉर्ट में लिख सकते हैं ता ता जा तथा दो गुरु
के तथा वर्ण मात्रा के अनुसार ये इंद्र वज्रा है। इस प्रकार से हम सब में लगा करके हम देख सकते हैं कि ये इंद्र वज्रा 11 वर्ण का है। आप पूरा लिखेंगे तो नहीं ठीक है, केवल समझ लीजिए इंद्र वज्रा। दूसरा है उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा ये भी 11, ये समवर्ण मात्रिक छंद है, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। लघु क्रम के अनुसार उपेंद्र वज्रा का निर्माण होता है। इसको इस प्रकार से एक उदाहरण है रोम में देख सकते हैं। उदाहरण है बड़ा बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। ये भी आप देखिए कितने वर्ण हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस क्रम से हैं। अब मात्रा लगा करके हम देख सकते हैं कि ये कौन सा गण प्राप्त होता है, लघु दीर्घ लघु दीर्घ लघु दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ। इसमें भी आप इस मात्रा को आप गण के अनुसार इसे अंकित करें। लास्ट का अंतिम गुरु होगा, दो गुरु होंगे। आई एस आई ये जगड़ हो गया, ये जो है दो मात्राएं ये आपका तगड़ हो गया और ये जगड़ हो गया और दो गुरु हो गए। इस प्रकार से 11 वर्ण, 11 वर्ण जगड़ तगड़ जगड़ एवं दो गुरु के क्रमानुसार
उपेंद्र वज्रा सिद्ध होता है। इसके बाद द्रुत विलंबित छंद, द्रुत विलंबित छंद इसमें 12 वर्ण होते हैं। उदाहरण मम निवेदन है कुछ आपसे सुन उसे उर में सुन उसे उर में धर लीजिए। ग्रहण करता है जिस युक्ति से मधु सा रस सार सहर्ष हो। इसमें वर्णों की गणना कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 द्रुत विलंबित छंद 12 वर्णों का होता है। हम इसे चिन्हों से इस प्रकार से अंकित करेंगे। लघ लघु लघु दीर्घ लघु लघु दीर्घ लघु लघु दीर्घ लघु दीर्घ। ये आपका नगण और भगड़, फिर भगड़, फिर आप रगड़, इन वर्ण गुरु लघु गुरु और वर्ण के क्रमानुसार द्रुत व्यंजित छंद सिद्ध होता है। इसके बाद आपात वसंत तिलका छंद वसंत तिलका छंद वसंत तिलका छंद में
14 वर्ण होते हैं जो इस प्रकार से हैं। उदाहरण जो राजपंथ वन भूतल में बना था धीरे उसी पर साध रथ जा रहा था। हो विमुग्ध हो रुचि से अवलोकते थे उधो छवि विपिन की अति ही अनूठी। इसमें आप देख लीजिए कितने वर्ण हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के 14 वर्ण से और लघु क्रम लघु गुरु के अनुसार बसंत तिलका बना। से हम मात्रा लगाते हैं, दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ लघु 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 दीर्घ लघु लघु दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ 3 वर्णों से के क्रम को हम 3 वर्णों को हम संबद्ध करते हैं। अंतिम गुरु 2 गुरु होंगे। अब ये आप समझिए किसमें तगड़ और भगड़ और आपका जगड़ फिर जगड़ और 2 गुरु के क्रम से वसंत तिलका छंद की रचना हुई। आगे सवैया, सवैया में 22 से 26 वर्ण तक होते हैं। ये भी समवर्ण वृत्त छंद हैं। सवैया में सुमुखी सुंदरी
आदि सवैया हैं। आप मत गयन छंद पढ़ें। मत गयंद छंद में जैसा कि पहले बता दिया गया कि 22 से 26 वर्ण होते हैं, लेकिन मत गयंद में 23 वर्ण होंगे, जो कि तुलसीदास की कवितावली से रचना ली गई है। शीस जटा शीस जटा बाहु विषा विशाल लाल तिरछी सी भौहें शीस जटाउर बाहु विशाल लाल तिरछी सी भौहें तून सरा तून सरा सन बान धरे तुलसी बन मा तुलसी बन मा रग मैं सुठी सोहें शीस जटाउर बाहु विशाल लाल नहीं यहाँ गलत हो गया बेटा। इसमें कुछ त्रुटि हो गई है। विशाल बिलोचन बिलोचन शीश जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें। शीस जटाउर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछे शिभाएं तोन सरासन बान धरे तुलसी बन मा रग में सुठ सोहे। इसमें आप देखिए कि रचना में ये
23 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इस तरीके से 23वें मत्तगयंद छंदो इस प्रकार से 23 वर्ण और लघु गुरु के क्रमानुसार मत्तगंद छंद का निर्माण होता है। अब आप आइए मात्रिक छंद में। मात्रिक छंद मात्रिक छंद जो है वो मात्रिक छंद में दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलियां, आदि हैं। तो हम सर्वप्रथम दोहा को पढ़ेंगे। दोहा में चार चरण होते हैं। यह सब मात्रिक छंद है क्योंकि इसमें चार चरण हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। दोहा में पहला और तीसरा चरण में तेरह तेरह मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं। एक उदाहरण लीजिए। राम नाम मणि, दीप धरु, जीह दे, जेह देहरी, द्वार, तुलसी, भीतर, बाहर, जो चाहसी उजियार।
मात्रा लगा करके देखिए, दो गुरु हो गया लघु, गुरु लघु, लघु लघु, गुरु लघु लघु लघु, राम नाम मर दीप धरि, दीप धरु या धीर धर के ये, राम नाम मर दीप धरि, धर के लिए, दो एक तीन, दो पाँच, एक छः, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, प्रथम में तेरह मात्राएं, दूसरे में देखिए दो एक तीन, दो पाँच, एक छः, दो आठ, दो दस, एक ग्यारह, ग्यारह मात्राएं, एक दो दीर्घ दीर्घ दीर्घ, दो दो चार, दो छः, सात आठ, दो दस, तीन तेरह, तेरह मात्राएं, दो दो चार, एक पाँच, छः, सात आठ, दो दस, एक ग्यारह, इस प्रकार से तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह मात्राओं से ये दोहा सिद्ध होता है। नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे कल सर।